हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। जैसा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी की एक नई भर्ती जारी कर दी गई है जो पेट के माध्यम से होगी। जो पेट क्वालिफाइड हैं, पेट में एग्जाम दे चुके हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है, हम आज आपको बताने वाले हैं कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप फिल कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि वेबसाइट हमने खोल के रखी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अब हमें फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म कहाँ इसमें मिलेगा, कैसे हम इसको ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो नोटिफिकेशन नए जारी हुए हैं, जो भर्तियां आई हुई यहां दिखा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 23/5/2023 से है और लास्ट डेट इसकी 12/6/2023 है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 12/6/2023 है। एप्लीकेशन में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन, इसका जो लास्ट डेट है वो 19/6/2023 है। आप यहाँ से दिखाया गया है कि यूजर इंस्ट्रक्शन यहाँ देख सकते हैं और व्यू एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यूजर इंस्ट्रक्शन लिखकर कुछ आएंगे, इसके अंदर बताएगा यहाँ पे आप हिंदी में लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक हियर टू इंस्ट्रक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो सामने हमारे खुलकर एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी। ये पीडीएफ फाइल में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला जो इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, अर्थात आपका जो लॉगिन होगा वो पेट रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन होगा। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला विकल्प जो दिया गया है वो बताया गया है कि व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी कैटेगरी संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। तो लॉगिन करने के लिए बताया गया है कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंधी विवरण और कैटेगरी आपकी क्या है, इसको भरकर आप लॉगिन करेंगे। तो ओटीपी के माध्यम से थ्रो ओटीपी जो होगा आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आपकी हुई है उसका रजिस्टर्ड जो नंबर आपने डाल के रखा है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी जाएगा। फिर दूसरा इसमें बताया गया है कि नंबर दो, अब आप लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 22 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना, इसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधी विवरण, EWS 36 आरक्षण संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अर्थात ये जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है जब पेट में, तभी जो डिटेल भरी गई वो सारी डिटेल आपको लॉगिन करते ही आपके सामने आ जाएगी। फिर इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक संबंधित विवरण भरना होगा। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो विकल्प चयन करना है। फिर संस्था, विश्वविद्यालय, उत्तीर्ण का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, जारी करने तिथि, प्रारंभिक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। फिर इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड दिखाई देगा, जहां से आपको उस वेरिफिकेशन कोड को यहां से देखना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से इसमें बताया गया है। फिर फोटो और हस्ताक्षर के लिए बताया गया है, जो इसमें एक महत्वपूर्ण होता है कि इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा पेट 2022 में जो आपने फोटो अपलोड की गई है वो स्वतः आ जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, अथवा फोटो अथवा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अन्य विवरण में बताया गया है कि अन्य विवरण में क्या चीज़ें रहेंगी, इसमें इसके बारे में बताया गया है कि इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में एस आर नो विकल्प चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज किए गए स्थायी व पाता पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा पत्र सहमत करना होगा यहाँ से। फिर यहाँ जैसे आप जाएंगे तो इसमें लिखकर आएगा कि वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी एक घोषणा पत्र आपसे डिक्लेरेशन के लिए आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक करके फिर सेव और प्रोसीड कर देना है। फिर इसके बाद करते हैं हम फीस कैसे इसमें पे करना है।
फीस पे करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें बताया गया कि अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के इस चरण के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के पालन में आप तत्काल इसको अन्य किसी माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट नॉलेजमेंट रिसिप्ट PR जनरेट होगी, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट बटन पर क्लिक कर अभ्यर्थी पेमेंट नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करा सकते हैं। इसी प्रकार इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ प्रोसीड लिखा होगा, जहां पर टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता था, उसका एक प्रिंटआउट भी ले सकता है। तो इस तरीके से आप यहां से इन चीज़ों को करना आपको पड़ेगा इसके अंदर। फिर इसमें बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परंतु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थी होम पेज पर, जैसे मान लिया फीस आपकी कट गई और आपका प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए आपको होम पेज पर एप्लीकेशन सेगमेंट में जाना है और यहां से आपको अपडेट और ट्रांजेक्शन बाई ID बाई डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके शुल्क का समायोजन आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से बताया गया है कि किस प्रकार से आप इसमें फॉर्म को भरना है, क्या क्या इसमें आवश्यक है, तमाम सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं। अब आपको हम बताते हैं कैसे ऑनलाइन हम भरेंगे। इस पर जाएंगे बैक यहां से और यहां से आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप, तो नीचे फिर लिख करके आ जाएगा नेचर ऑफ पोस्ट बताएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है पूरा पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पे स्केल यहाँ से पता चल जाएगा। एज लिमिट आपकी जो है वो 18 से 40 वर्ष होने वाली है। इसमें वैकेंसीज के बारे में भी बताया गया है कि इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैकेंसी डिटेल यहाँ बता देगा, तुरंत ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये वैकेंसी बताई गई जनरल 849, SC 356, ST की 7 और OBC की 139 मात्र जगह इसमें बताई गई हैं। टोटल 1468 जगह इसमें मेंशन है। फिर आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जहाँ से हमको पूछ रहा है कि कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपको पास करना होगा। तो यहाँ पर दिया गया सब घोषणा पत्र इसके बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, इसे आप देख लेंगे। फिर यहाँ से हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपसे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मांगेगा। ये पूछ रहा है कि किस तरीके से थ्रो पर्सनल डिटेल्स या थ्रो OTP के माध्यम से हम OTP लेना चाहते, तो OTP से यहाँ से हम लॉग इन करेंगे। यहाँ हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, जो आपने फॉर्म भरते समय सबमिट किया था। ये लिख के आ गया यहाँ पर कि OTP हैज बीन सेंड और मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP सेंड हो गया है। अब यहाँ से OTP नंबर को भरना है। अब OTP डालने के बाद हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे इसके आगे की डिटेल खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। जैसा कि सर्च कर रहा है ये आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी डिटेल दिखा रहा है जो हमने पेट में पहले भरी है। यहाँ पर सब कुछ लिख कर आ रहा है। यहाँ पर आपको भरना क्या है, आपको भरना है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन UP हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन UP आर एनी एग्जामिनेशन रिकोगनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इक्विवेलेंट दियर टू। यहाँ से आपको यस कर लेना है। यहाँ से अपने बोर्ड का नाम लिखना है आपको, जो आपका बोर्ड है। हमारा यूपी बोर्ड, हमने यूपी बोर्ड भर लिया। अब आप पूछ रहा है कि इंटर आपने कब पास किया है, तो इंटर जो पासिंग वर्ष है आपको यहाँ पे आपके उसको वर्ष को लिखना है। यहाँ से हम उस वर्ष को लिखेंगे। अब सर्टिफिकेट या रोल नंबर और इशू डेट ये आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगा। जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वहां पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। यहां आप देख पा रहे हैं ये सर्टिफिकेट और रोल नंबर और इशू डेट और यहां परसेंटेज सिस्टम आपका क्या है, इस चीज को आपको यहां से भरना है। और आखिरी चीज में जो दी गई लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रिपल्स इन कंप्यूटर प्रोवाइड नाइलिट फॉर फॉर्मेट, ये DOEC द्वारा जारी आपके पास CCC होना चाहिए। तो यहाँ से इसको आपको एस कर देना है और यहाँ से हम सर्टिफिकेट और ये रोल नंबर और इशू डेट इसको यहाँ से भरते हैं। पासिंग इसमें जो बताया गया परसेंटेज सिस्टम क्या हमारा है, तो परसेंटेज सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम, तो ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज और परसेंटेज सिस्टम यहाँ लिखेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको एक्सेप्ट कराएगा। अब आपको यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट आप लेंगे इंटरमीडिएट, उसमें सर्टिफिकेट नंबर होगा। किसी किसी के मार्कशीट में सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें एक ही में होंगी, उसमें लिखा होगा प्रमाण पर संख्या लिखी होगी, रोल नंबर लिखा होगा, कुछ भी डाल सकते हैं। और जारी दिनांक भी उसमें सबसे नीचे आप देखेंगे मार्कशीट के तो लिखा होगा। यहाँ पे जो आपको प्राप्तांक पूर्णांक इसमें भरना है। यहाँ से उसके बाद में हमको कैप्चा कोड भरना है और कैप्चा कोड भरने के बाद में सबमिट कर देना है। अब सबमिट होकर आपके सामने कुछ तरीके से आएगा। यहाँ से हम क्लिक हियर
टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, फोटो साइन आपकी पहले से जो पड़ी हुई है वही यहाँ पर आ जाएगी। कंटिन्यू कर देना है आपको। कंटिन्यू करने से पूरा फॉर्म आपको इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से मांग रहा है कि एज प्रूफ, रेजिडेंसी, कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये एज प्रूफ मांग रहा है, यहाँ से आपका ये रेजिडेंसी प्रूफ मांग रहा है, और ये SC ST कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो ये आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये अनिवार्य हो गया है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भरेंगे। डिटेल भरने के बाद हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको सबमिट कर लेगा अपने आप, ये यहाँ से अपडेट डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे, ये अपडेट होगा सक्सेसफुली। इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा, बाकी आपका रेड रहेगा। अब अगर निवास आपके पास है तो भरेंगे, नहीं तो इसको वैकल्पिक यहाँ बताया गया है। अब यहाँ जाति प्रमाण पत्र की डिटेल भरेंगे। इसी तरीके से हम इसको भी अपडेट करेंगे यहाँ से। अब नीचे यहाँ पर दिया गया है कि मैं घोषणा करता हूँ, इसको आपको टिक करना है, जो डिक्लेरेशन दिया गया है डिक्लेरेशन सेगमेंट को यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इन चीज़ों को कैप्चा कोड को भरना है, और उसके बाद में आपको प्रोसीड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे कन्फर्म के लिए। अब यहाँ से आपसे फीस के लिए मांग रहा है कि फाइनल सबमिट, अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो प्रीव्यू एडिट से बदलाव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि नहीं बदलना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट फीस के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। फीस के लिए वेबसाइट आगे बढ़ जाएगी और यहाँ से आप पेमेंट पे कर देंगे। जो इसका फीस है 25 रुपीज़ बताया गया है, यहाँ से आप पेमेंट इसका कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड से, जैसे आपके पास व्यवस्था है उस तरीके से आप यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को आसानी से सरलतापूर्वक भर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।